बच्चों, ये है मेरी मेरी गार्डन, जो कुछ ही दिनों में अंतरिक्ष के सारे एलियंस के लिए खुलने वाला है। मैंने स्पेस पुलिस से इसकी इजाजत भी ले ली है। इस पिकनिक पर हम खूब मजे करेंगे स्काई ड्रैगन। मेरा काम हो जाने पर मैं तुम्हें ले जग्गू खाएगा तब। जग्गू बीमारी से क्या उठा, हर चीज उसे ही पहले मिलेगी। क्या हुआ जग्गू? काश यहाँ एक मेरी गोडाउन होता। तुमने सोचा, हमने किया। अभी लाते हैं मेरी गोडाउन। दो दिन बीमार क्या रहा, सब उसकी खातिरदारी में लगे हैं। लगता है मुझे भी इनका ध्यान खींचने के लिए कुछ करना होगा। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं ये हरे निशान लगाकर बीमारी का बहाना करूँगा। एक तकलीफ तो दूर हुई। थोड़ा झूला झूलूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। और तेज घुमाओ, और तेज। शायद उन पेड़ों को खाकर मुझे राहत मिलेगी। हमें ठीक करने में मदद करनी होगी। कालिया, मेरा पेट दुख रहा है, मेरे लिए वो बेर लेकर आओ जल्दी। अभी लाया। इस ग्रह का नाम है सहस्त्र। ये 1000 वर्षों में सिर्फ एक बार ही दिखाई देता है और आज वही दिन है। 1000 वर्ष में एक बार? कितना अजीब ग्रह है। ये जगह कितनी सुंदर है। ये ग्रह अपने बाहरी सुंदरता से लोगों को आकर्षित करती है। मेरे एक पूर्वज जिनका नाम था ज्वाला, वो इस दुनिया में प्रवेश कर गए और कभी बाहर नहीं आ पाए। तो फिर हम जरूर अंदर जाएंगे और उन्हें बाहर ले आएंगे। लेकिन सहस्त्र ग्रह के दरवाजे सिर्फ 1 घंटे तक खुले रहेंगे
अगर इस एक घंटे में हम वापस नहीं आए तो हम अगले 1000 साल तक सहस्त्र ग्रह में कैद हो जाएंगे। हम 1 घंटे में जरूर वापस आएंगे। ये हम कहाँ आ गए? हाँ, एक नहीं, 3 जगहों से इतनी धूप, जैसे यहाँ 1 नहीं 3 सूर्य हो। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। आप हैं कौन? मैं हूँ कोयला, राजा अजूका का खास मंत्री। कोयला, हमें राजा अजूका के पास ले चलो। प्लैनेट 8 में इतनी गर्मी इसलिए है क्योंकि यहाँ 3 सूर्य हैं। अब 3 सूर्य का मतलब 3 गुना ज्यादा धूप और ठंडी है ना? मगर इसके अलावा प्लैनेट 5 इतना खूबसूरत है कि बस। और ये रहे हमारे राजा अजूका। ओए मेहमान, प्लैनेट 5 में आपका स्वागत है जी। तो गलती से यहाँ पहुँच गए, क्या आप हमें यहाँ से निकलने में मदद कर सकते हैं? कैसी गल्ला कर रहे हो आप? देखिए, हम आप लोगों को यहाँ से जाने नहीं दे सकते। यहाँ की धूप मुझे उतनी नहीं चुभती जितना तेरा बक बक करना चुभता है। प्लैनेट 5 में घूम लो और फ्लाई इसी में होगी कि अब इसे आप अपना घर बना ले। इतनी गर्मी में तो मैं भी कालिया से कोयला बन जाऊंगा। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वैसे तो मैं सब जानता हूँ और इसीलिए मैं जान गया कि आप लोगों को प्यास लगी होगी। अपना हाथ आगे करो और इस कप से पानी पी लो। कोयला कहता है कि वो सब जानता है, तो उसे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी पता होगा। सही कहा सुपर भीम। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, मैं सब जानता हूँ, पूछ लो। कोयला, उस दिन के बारे में बताओ जब सारे लोग यहाँ से चले गए थे। कितनी मुश्किल और तकलीफ हुई होगी ना तुम्हें और राजा अजूका को। हाँ सुपर भीम, वैसे तो मैं सब जानता हूँ। वो सिंहासन के नीचे से जो निकलने का रास्ता है वहाँ से निकल गए। राजा अजूका, हम जान गए हैं कि यहाँ से निकलने का रास्ता आपके सिंहासन के नीचे से है और हम अब यहाँ से निकलने वाले हैं। मैं तुम्हें सिंहासन के पास आने नहीं दूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं। ओए, ये सिंहासन गोल गोल कैसे घूम रहा है? सिंहासन घूमेगा तो पूरा आंच घूमेगा। ओए, ये क्या, घूमते घूमते मैं कहीं और आ गया। सब कहाँ चले गए? ये कोई राक्षस नहीं, ये तो गार्डियंस है। लगता है मौसम बदलने से तुम्हें सर्दी लग गई। सारी जड़ी बूटी आजमा कर देख ली पर कुछ काम नहीं कर रहा। क्यों ना हम इतिहासकार मियार से पूछें? अच्छा, सोच रहे हैं ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। हमें जल्द ही मियार को संपर्क करना चाहिए। गार्डियंस काफी समय से चीख रहे हैं,
उनकी छींके रुकने का नाम ही नहीं लेती। छींके? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुमने लूडो ग्रह के जादुई जंगल से कोई नीला रंग का फल खाया? खाया था। इसमें लिखा है कि अगर कोई गार्जियन इसे खाता है तो छींकना शुरू कर देता है। इन छींकों से वो काफी कमजोर भी हो जाता है, और अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं किया तो गार्डियंस अगले 1000 वर्षों के लिए गहरी नींद में सो जाएगा। तो इसका इलाज क्या है मियार? इस ग्रह के बीचों बीच कॉपर के पत्थर हैं। इन्हें गार्डियंस के सर पर रगड़ने से वो ठीक हो जाएंगे। बहुत सख्त है। मिल गया तरीका। ये कहाँ जा रहा है? सब लोग पीछे हट जाओ। तुम ठीक तो हो ना? कॉपर स्टोन्स मिल गए। अब हम बिल्कुल ठीक हैं। बेकार खाना बन रहा है।
सारी सामग्री। सफाई में तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, और अगर हमने ये काम नहीं किया तो दुनिया गंदी और बदबू से भर जाएगी। कितना बढ़िया काम कर रहे हो तुम दोस्तों, और ये काम कितना मजेदार भी है। हाँ, इन बैटरी से हमें स्फूर्ति मिलती है, और जब ये खत्म हो जाती हैं, तो हमें फिर से बैटरीज की जरूरत पड़ती है। ZKs दुनिया के हर कोने में काम करते हैं, और जब उनकी बैटरी खत्म हो जाती है तो वो हमें बताते हैं और हम उन्हें तुरंत नई बैटरी पहुंचाते हैं। जी, हमारे ZKs में कौन गन मचा रहा है? कोई अजीब सा प्राणी है जो हमारी तरफ कचरे की गोलियां बनाकर फेंक रहा है। कैसा लगा मेरा तोहफा? ये कौन है और ये इतना गंदा क्यों है? मैं हूँ पट्टी, प्लेनेट पुच्छा से, और मुझे देखकर तुम जान गई होगी कि मुझे साफ सफाई पसंद नहीं है, और मुझे वो लोग भी नहीं पसंद जो साफ सफाई करते हैं। तो अब तुम्हारा ये बैटरी डिलीवरी करना बंद करना होगा। रुक जाओ पट्टी, साफ सफाई नहीं होगी तो सारी दुनिया में गंदगी फैल जाएगी। अच्छा तो इस गंदगी को रोक कर दिखाओ। इतनी गंदगी। भीम, ये रहा लट्टू, दिखा दो इसे असली तूफान। भीम, ज्यादा कुछ नहीं है खिलौना घर में? हाँ, वो मैं इतने सारे खिलौने, आक्रमण नहीं। बब्बू, मेरे दोस्त, क्या ये तुम हो? तुम इतने साल कहाँ थे? मैं कहाँ था? मैं इतने साल इस बोतल में कैद था, और वो भी तुम्हारे कारण। मेरे कारण? पर मैंने क्या किया? याद है जिस दिन मैंने तुम्हें ये बोतल दी थी? मैं ये खास बोतल अपने सबसे प्यारे दोस्त स्काई ड्रैगन को दूंगा। इस जादुई बोतल के सामने जो भी खड़ा रहेगा, ये बोतल उसे अपने अंदर खींच लेगी। स्काई ड्रैगन इसे देखकर बहुत खुश होगा। बब्बू मेरे दोस्त, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, और तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। क्या है इस बोतल में? बब्बू, 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 तुम कहाँ हो? और उस दिन से आज तक मैं इस बोतल में कैद था, और उस दिन से आज तक मैं तुम्हें ढूंढता रहा। बब्बू, बब्बू जी, जो हुआ गलत हुआ, पर अब तुम ये गुस्सा थूक दो। फूक नहीं, मैं फूक दूंगा। ऐसी फूक मारूंगा कि तुम सबको दूसरे अंतरिक्ष में पहुंचा दूंगा। स्काई ड्रैगन को अंतरिक्ष में उड़ाने से पहले तुम उनसे अपना बदला किसी और तरीके से ले सकते हो। कोई और तरीका? कौन सा तरीका? तुम्हें तो पता ही है स्काई ड्रैगन को अपने खिलौनों से कितना प्यार है। तुम उनके खिलौनों को तोड़ दो। तो उनके सबसे प्यारे खिलौनों से शुरू करते हैं। ये वो जगह है जो स्काई ड्रैगन ने तुम्हारी याद में बनाई थी। उन्हें आज भी अपने सबसे प्यारे दोस्त की बहुत याद आती है। शायद इसीलिए
वो अपने एक भी खिलौने को जाने नहीं देते, क्योंकि उन्हें आज भी ये डर है कि उनकी सबसे प्यारी चीज को वो खो ना दे, जैसे एक दिन तुम्हें खो दिया था। स्काई ड्रैगन मेरा सबसे प्यारा दोस्त, मैं उससे कैसे गुस्सा हो सकता हूँ? मुझे माफ कर दो स्काई ड्रैगन, जिसे मैं दुश्मन समझ रहा था वो तो मेरा सबसे प्यारा दोस्त निकला। हाँ बब्बू। निकलते
तुम्हारी माँ तुम्हारी कितनी चिंता कर रही है और तुम यहाँ मस्ती कर रहे हो। चलो घर जाने का समय हो गया। मूसी, बदमाशी की भी हद होती है, तुम्हें डर नहीं लगता? कितना प्यारा है ना ये। पर हमें इस ग्रह से जल्दी बाहर निकलना चाहिए। ये है कौन? नमस्ते, कैसे हैं आप? बच्चों, वो नहीं उठेगी, यही हमारी रक्षा करती है सारी मुश्किलों से। हम हमारा पानी खुद बनाते हैं, मगर हमारी रक्षक को पानी की जरूरत है। एक समय था, हमारी दुनिया खुशियों से भरी हुई थी। बच्चे पेड़ की देवी की छांव में खेलते और वो हमें हर तरह के प्रकोप से बचाती। एक दिन एक दुष्ट पेड़ ने हमारी जमीन को सूखा कर दिया। पानी की एक बूंद भी नहीं बची हमारे लिए और पेड़ की देवी गहरी नींद में चली गई। वो पानी तब रिहा करेगा जब हम उसे अपना भगवान मान लेंगे। इस मसले का हल क्या है महाराज? उस पेड़ रूपी दानव की कटाई कर हमारी देवी को जगाना होगा। पानी पर सबका हक है, चिंता मत कीजिए महाराज, मैं आपका पानी आपके पास वापस ले आऊं। Super!